मुगल शहजादों की शादियां भव्य होती थी। दारासुको की पहली शादी में ऐसा देखने को भी मिला। 1633 में हुई करीब 32 लाख रुपए की यह महंगी शादी मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। शादी के दौरान पूरे आगरा का आकाश करीब आधा मील ऊपर तक पटाखों की रोशनी से भर गया था। बादशाहनामा में इस शादी का विस्तार से वर्णन है। बादशाह के बेटे के लिए तकरीबन सारे अमीर उमरा खूबसूरत पोशाकों में वहां मौजूद थे। भीड़ का बेहतरीन नज़ारा देखते ही बनता था। अगर औरंगजेब की शादी की बात की जाए तो औरंगजेब की पहली बीवी पर्शियन मूल की थी। वह पर्शिया के शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। दरअसल इस रिश्ते की बुनियाद अकबर के दौर से बने संबंधों के बाद तैयार हुई। असल में कंधार का किला पर्शियन राजा शाह हुसैन के बेटे मिर्जा मुजफ्फर हुसैन ने ऊंचे औहदे और भारी तनख्वाह के लिए अकबर के हवाले कर दिया। उसका छोटा भाई मिर्जा रुस्तम अकबर के काल के दौरान भारत में आया और उसे औहदा मिला और जहांगीर के काल में उसने बुलंदियों को छुआ। मुगल बादशाहों ने पर्शिया के इस खानदान के साथ रिश्ते मजबूत बनाने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। मुजफ्फर हुसैन की बेटी की शादी शाहजहां से हुई, जबकि दूसरे भाई की बेटियों की शादियां शहजादा परवेज और शहजादा सुजा से हुई। रुस्तम के बेटे को मुगल दरबार में शाहनवाज खान के खिताब से नवाजा गया था। शाहनवाज खान की बेटी दिलरस बानो का निकाह 1637 में औरंगजेब से हुआ। अगले साल उसकी छोटी बेटी का निकाह मुराद बख्श से हुआ। 15 अप्रैल 1637 को औरंगजेब अपनी शादी के लिए आगरा आया। शाहजहां ने अपने बेटे को बुलावे के लिए एक बेहद प्यारा निमंत्रण भेजा, जिसमें बड़ी प्यारी कविता लिखी हुई थी। अगले दिन औरंगजेब पिता के दरबार में खड़ा था। शाही नजूमियों ने निकाह की तारीख 8 मई 1637 रखी। अगले दिन मेहंदी की रस्म हुई, जिसमें दूल्हे के हाथ और पैर में मेहंदी लगाई गई। भारतीय रिवाज को मानते हुए दुल्हन के पिता ने भारी गाजे बाजे के साथ मेहंदी को लड़के के करीबियों के घर भेजा। मेहंदी के साथ कई तरह के उपहार भी भेजे गए, जिसमें दूल्हे की महंगी पोशाक और कढ़ा हुआ स्कार्फ भी शामिल था। इसके बाद पुरुष मेहमानों के लिए उसने अलग से आयोजन किया, जिसमें दूसरे मनसबदारों ने हिस्सा लिया। महिलाएं जरी की महीन जालियों से ये आयोजन देख रही थी। आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी। सारे वक्त गाना और नाचना होता रहा। रात की विदाई दूल्हे और वहां मौजूद मेहमानों के लजीज खाने के बाद हुई। अगले दिन शादी हुई। नजूमियों ने दिन ढलने से 4 घंटे पहले का वक्त इसके लिए चुना। इसे सबसे भाग्यशाली समय माना गया। इससे काफी पहले आला वजीर यामिनु दौला आसफ खां और मुराद बख्श यमुना किनारे औरंगजेब के महल गए और उसे किले में लेकर गए, ताकि वह तैयार होने से पहले बादशाह को शुक्रिया कह सके। बादशाह ने उसे कई तरह के बेशकीमती उपहार दिए, जिसमें कपड़े, गहने, खंजर, हाथी और घोड़े शामिल थे। बादशाह ने अपने हाथों से उसका सहरा बांधा। तब शादी के लिए काफिला चलना शुरू हुआ। बारात में सबसे आगे मुराद, यामिनु दौला और बड़े मनसबदार थे। बारात एक लंबे काफिले की तरह थी, जिसमें गाना और रोशनी थी, साथ ही पटाखे भी जलाए जा रहे थे। जब यह बारात दुल्हन के द्वार पहुंची, तो दुल्हन के पिता ने उनका भव्य स्वागत किया। शाहजहां नाव से इस स्वागत समारोह के बाद यहां पहुंचे और उनकी मौजूदगी में काजी ने निकाह पढ़वाया। दूल्हे ने मेहर के तौर पर अपनी पत्नी को 4 लाख की रकम देने का वादा किया। यह रकम तलाक की सूरत में दी जानी थी। दुल्हन का पिता पूरी शादी के दौरान गायब रहा। भारतीय मुस्लिमों का ये रिवाज था। शादी पूरी होने के बाद 14 मई को प्रीति भोज का आयोजन हुआ। ये औरंगजेब के महल में हुआ, जिसमें बादशाह मौजूद थे। सरदारों को शादी के उपहार दिए गए, जिन्होंने पहले झुककर बादशाह को फिर दूल्हे को धन्यवाद कहा। नवविवाहित राजकुमार ने अपने पिता के साथ 3 महीने आगरा में गुजारे और फिर 4 सितंबर को इजाजत लेकर दक्कन की ओर चला गया। औरंगजेब की पत्नियों में दिलरस बानो का औहदा सबसे बड़ा था। 8 अक्टूबर 1657 को औरंगाबाद में बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। इसी शहर में उसे दफन कर दिया गया। उसे रबिया उद दुर्रानी का खिताब दिया गया। उसके मकबरे की बाद में आलमगीर के आदेश पर आजम ने मरम्मत करवाई। औरंगजेब के बाद की पत्नियों को वादी और महल का खिताब मिला। इस तरह नवाब बाई का नाम पड़ा। नवाब बाई बहादुर शाह प्रथम की माँ थी और वो राजौरी के राजपूत राजा की बेटी थी। शाहजहां ने राजा से उसके परिवार की लड़की का हाथ मांगा था। नवाब बाई अपनी खूबसूरती, अक्लमंदी और सौम्य व्यवहार के लिए जानी जाती थी।
तय वक्त पर वह औरंगजेब के साथ चली गई। उसने फर्दपुर में सराय बनवाई और औरंगाबाद के उपनगरीय इलाके बैजीपुरा की स्थापना की। उसके बेटों मुहम्मद सुल्तान और मुअज्जम ने कुछ गलत सलाहकारों की बातों में आकर औरंगजेब से दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण नवाब बाई की बाकी जिंदगी बड़ी मुश्किल भरी गुजरी। उसने अपने बेटे मुअज्जम को बड़ा समझाया, लेकिन वो नहीं माना और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबके कारण नवाब बाई का शाही महल में असर कम हो गया और अपने पति से लंबे समय तक अलग रहने के बाद दिल्ली में 1691 में उसकी मौत हो गई। औरंगजेब की एक और पत्नी औरंगाबादी महल थी, उसका ये नाम उसके औरंगाबाद से होने के कारण पड़ा। प्लेग ने नवंबर 1688 में बीजापुर में उसकी जान ले ली। कामबख्श की माँ उदयपुरी महल को लेकर भ्रम की स्थिति है कि वह जॉर्जियन दासी थी या हिंदू राजपूतनी। आलमगीर अपने बेटे कामबख्श के नाम एक पत्र में उदयपुरी के सती होने की बात कहता है। औरंगजेब ने अपने आखिरी वक्त में लिखे इस पत्र में अपने बेटों को हालात बताए हैं, साथ ही कामबख्श को कुछ हिदायतें भी दी है। पत्र के अंत में उसने कामबख्श की माँ यानी अपनी बीवी का भी जिक्र किया है। तुम्हारी माँ मेरी बीमारी में मेरे साथ है, वह मेरे साथ ही दूसरी दुनिया में भी जाने के लिए तत्पर है, वह मेरे मरते ही सती होने की तैयारी में है, ईश्वर तुम्हें शांति दे। कामबख्श की माँ और औरंगजेब की प्रिय पत्नी को कुछ लोग जॉर्जिया की ईसाई मूल की महिला मानते थे, जिसे दारा ने खरीदा था, और उसके मारे जाने के बाद वह औरंगजेब के पास चली आई। समकालीन यूरोपीय यात्री मनुची ने भी उसे जॉर्जियन दासी बताया है, जिसे औरंगजेब ने दारा के महल से हासिल किया था, जो अपने पहले मालिक दारा के हारने के बाद औरंगजेब के पास चली आई। उस वक्त वो कम उम्र की थी। 1667 में उसने कामबख्श को जन्म दिया। जब औरंगजेब 50 की उम्र का हो चला था, तब वो जवान थी और औरंगजेब के मरने तक उसका बादशाह पर प्रभाव बना रहा। उसी के प्रभाव के चलते औरंगजेब ने कामबख्श की कई गलतियों को माफ कर दिया। कामबख्श शराब का आदि था। अन्य लेखकों के मुताबिक वह जोधपुर की सिसोदिया राजपूत महिला थी। एक बार चित्तौड़ के राणा राजपूत ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने औरंगजेब के पास उसे वापस सम्मान के साथ भेज दिया। यह 1679 की बात है। हालांकि जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के वॉल्यूम 1 में पेज 65 पर कोर्ट की बात को खारिज किया है कि उदयपुरी औरंगजेब की पत्नी थी, लेकिन जदुनाथ की तरफ से इसे खारिज करने की कोई मजबूत वजह नहीं रखी गई। यहाँ जदुनाथ का यह कहना था कि किसी राजपूतनी ने जिसकी शादी बादशाह से हुई हो, कभी किसी बादशाह के मौत के बाद जान नहीं दी। हालांकि उनका यह तर्क इस बात पर कहीं नहीं सही ठहरा पाता कि उदयपुरी औरंगजेब की पत्नी नहीं थी। जदुनाथ ने अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए औरंगजेब के एक बयान का सहारा लिया है, जो उसने जिंजी किले की घेराबंदी के दौरान दिया था। जिंजी किले की घेराबंदी के दौरान औरंगजेब ने कामबख्श को लेकर तल्ख टिप्पणियां की, दासी का लड़का किसी काम का नहीं, चाहे भले ही उसे राजा क्यों न बना दिया जाए। इन चार के अलावा औरंगजेब की जिंदगी में एक और महिला थी, जो कहा जा सकता है कि औरंगजेब की जिंदगी में अकेला प्यार थी। वह खूबसूरत, सौम्य और संगीत कला में माहिर थी। उसका नाम हीराबाई था। दोस्तों, औरंगजेब और हीराबाई की प्रेम कहानी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको औरंगजेब की चार पत्नियों में किसकी कहानी सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।